हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी सेहत का ध्यान अब लोग रख रहे होंगे, अपनी भी, अपने घर वालों की भी और अपने पास वालों की भी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ, कि हम सब लोग अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंसिंग नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। आप खुद से डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबली हेल्प कर रहे हैं दूसरों को। चलिए, तो वन कंसेप्ट डे पढ़ेंगे द हिंदू से। 13 जुलाई से एक कंसेप्ट आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में, बेसिकली ये क्या होता है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ये आपको मेंस के लिए भी फॉडर पॉइंट देगा, ठीक है। जो बच्चे यूपीएससी की या स्टेट सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, और जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए भी ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम इसको आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है ये वाली न्यूज़। ये आपकी फ्रंट पेज पर न्यूज़ थी, डेली एडिशन द हिंदू के, ठीक है। न्यूज़ क्या थी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूज़ के ऊपर आएंगे। न्यूज़ बेसिकली ये शो कर रही है कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं, मैं आपको एक ब्रीफ बहुत छोटा बैकग्राउंड दे रहा हूँ अभी, कि लेबर शॉर्टेज हो गई कोरोना के समय में, लॉकडाउन चल रहा था नेशन वाइड, और आप सब जानते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर है वो अपना, उन्होंने घर जाना शुरू कर दिया, जो यूपी बिहार से लेबर थी उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया। इस वजह से लेबर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, और लेबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि खारिफ सीज़न था, सोइंग सीज़न था, तो अब इस सीज़न में जनरली जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स मेथड यूज़ करते थे वो मेथड होता था ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पेडी का मेथड, लेकिन इस साल उन्होंने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को यूज़ किया। तो हम बेसिकली सबसे पहले तो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है और ट्रांसप्लांटिंग मेथड क्या होता है वो समझेंगे, DSR के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो समझेंगे, और फिर इस न्यूज़ को देखेंगे कि इसमें क्या लिखा था, ठीक है। मेनली हमने कंसेप्ट समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है आपकी नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पेडी में और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में। अब ट्रांसप्लांटिंग पेडी क्या होता है, इसमें फार्मर क्या करता है, सबसे पहले एक छोटे से एरिया में एक नर्सरी बनाता है, ठीक है। नर्सरीज आप देखते हो ना, अर्बन एरियाज में भी नर्सरीज बनी होती हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए प्लांट्स वगैरह खरीद के लेके आते हो, ठीक है। तो वैसे एक छोटे से, अपना जितना उसका फार्म साइज है उसके छोटे से एरिया में एक नर्सरी बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये उसका फार्म लैंड है तो इसका 5-10% लैंड पे इतने एरिया में वो एक नर्सरी बना लेगा। नर्सरी में क्या करेगा, वो वहाँ पर वो सीड्स को बोएगा, जो आपके राइस सीड्स हैं या जो पेडी सीड्स हैं वहाँ पर उनको सो करेगा, और वो जो पेडी सीड्स होंगे वो शॉर्ट छोटे छोटे प्लांट्स में जो है वो ग्रो कर जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वो उन सीडलिंग्स को, जो ये सीड्स जो हैं ये ग्रो होनी शुरू हो गई, ठीक है, यंग प्लांट्स में जो रेज हो गई, अब ये ग्रो होनी वहाँ पर नर्सरी में ग्रो होनी शुरू हो गई, नर्सरी में से ये उनको अपरूट करेगा, निकालेगा, और फिर अल्टीमेटली इनको रीप्लांट कर देगा पूरी फील्ड में, ठीक है, 25 से 35 दिन बाद, ऑलराइट, आफ्टर द फील्ड हैज बीन पडल्ड, जो भी पडलिंग वगैरह होती है फील्ड की। अगर आप यहाँ पर ये इमेज में दिखें तो बेसिकली ये जो लेबरर्स यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो वुमेन लेबरर्स को आप यहाँ पर करते देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, जो ये नर्सरी में जो पेडी को ग्रो किया गया है, जो यंग प्लांट को अपरूट किया गया है, ये उसको दोबारा से बो रहे हैं वहां पर, ठीक है, दे आर प्लॉइंग इट देयर, ऑलराइट। सो ये होता है आपका बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग मेथड। तो बेसिक फंडा क्या है, बीज जो लिए पहले उनको एक छोटे एरिया में ग्रो किया, उनको ग्रो करने दिया, उनको यंग प्लांट्स में कन्वर्ट होने दिया, एंड अल्टीमेटली उन यंग प्लांट्स को अपरूट करके फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग, ऑलराइट। एक जगह पर उसको सीड को पहले बोया, फिर हल्का ग्रो किया, फिर उसको दूसरी जगह पर ले गए। अगर हम अब इसके कंपैरिजन में देखें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जैसे कि आप यहाँ से समझ ही पा रहे होंगे, टर्मिनोलॉजी से ही बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग टर्मिनोलॉजी से हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग से हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। ट्रांसप्लांटिंग जैसा भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई नर्सरी टाइप एरिया की जरूरत नहीं होगी, कोई अपरूटिंग नहीं होगी, कोई रीप्लांटिंग नहीं होगी। DSR मेथड में क्या होता है, प्री जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, ठीक है। अब ये प्री जर्मिनेटेड सीड्स को डायरेक्टली ड्रिल कर दिया जाता है एक ट्रैक्टर पावर्ड मशीन से फील्ड के अंदर, ठीक है।
कोई यहाँ पर जो है नर्सरी नहीं क्रिएट की जा रही, कोई सीड्स को पहले ग्रो करके यंग प्लांट्स में कन्वर्ट करके अपरूट नहीं किया जा रहा, डायरेक्टली प्री जर्मिनेटेड सीड्स को खरीदा जा रहा है और उनको डायरेक्टली ड्रिल किया जा रहा है फील्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर पावर्ड मशीन। अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि दिस इज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, अब यहाँ पर नो नर्सरी प्रिपरेशन है, ट्रांसप्लांटेशन कुछ भी इवॉल्व नहीं है। अब DSR मेथड में क्या होता है, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय रियल केमिकल हर्बिसाइड्स। अब जब आपकी ट्रांसप्लांटेशन मेथड में आप अपरूट करने के बाद फील्ड के अंदर यंग प्लांट्स को सो करते हो, ठीक है, वहां पर उनको बोते हो, तो उस समय क्या होता है, वहां पर बहुत सारा आपको पानी डालना पड़ता है, आपको फ्लडिंग करनी पड़ती है पानी की, और वो पानी की फ्लडिंग इसीलिए की जाती है लैंड के लेवल तक ताकि जो फील्ड है उसको बचाया जा सके वीड्स से, ठीक है, ये कंसेप्ट हम भी हम आगे देखेंगे कि उसको वीड्स से बचाने की कोशिश की जाती है। तो DSR मेथड में वाटर का इस्तेमाल नहीं होता, DSR मेथड में आपको कोई फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप डायरेक्टली केमिकल हर्बिसाइड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। और फार्मर्स को सिर्फ क्या करने की जरूरत है, उनको अपनी फील्ड को लेवल करना है, अपने लैंड को लेवल करना है और एक प्री सोइंग इरिगेशन करनी है, जिसको रोनी भी बोला जाता है पंजाब और हरियाणा के रूरल एरियाज में, ठीक है। अब जैसे अगर कोई बच्चे पंजाब का पेपर दे रहे हैं, PCS निकला हुआ है, तो उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि जो प्री सोइंग इरिगेशन होती है उसको लोकली क्या बोला जाता है, तो आप कह दोगे कि रोनी बोला जाता है, PCS वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे पानी की बचत होती है क्योंकि फ्लडिंग नहीं करनी पड़ रही हमें, जो हमें ट्रेडिशनल मेथड में, जो हमें ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन के मेथड में फ्लडिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, अब हमें वो नहीं करना पड़ रहा, अब हमें हर्बिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं हम। पानी का इस्तेमाल हम क्यों करते थे, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन मेथड में वीड्स को हटाने के लिए वही एक मेथड बचता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो पानी की बहुत ज्यादा सेविंग यहां पर हो जाएगी, आपको कोई भी फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं है। और पंजाब के एग्रीकल्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हम पढ़ते हैं सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, कि इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो गई, ओवर यूज ऑफ इरिगेशन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसका सेलिनिटी कंटेंट बढ़ना शुरू हो गया। ऑलराइट, तो अगर पानी कम इस्तेमाल होगा अब, तो ये जो सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल की प्रॉब्लम है, जो सेलिनिटी सॉइल में बढ़ रही है, उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस में, अब ये टेक्नोलॉजी जो आई है इसमें लक्की सीड ड्रिल, मैंने आपको बताया ना ड्रिल करना पड़ेगा सीड्स को, तो एक लक्की सीड ड्रिल करके जो है आपकी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, और ये जो पर्टिकुलर ड्रिल है ये क्या करेगी, ये सीड्स को भी जो है सो करने का काम करेगी, बोने का काम करेगी, और साथ के साथ हर्बिसाइड्स भी स्प्रे कर देगी, तो ट्विन पर्पस यहां पर होगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज कर देंगे इस लक्की सीड ड्रिल को हैप्पी सीडर के साथ, जो न्यूज में रहता था, तो ये हैप्पी सीडर से डिफरेंट है। हैप्पी सीडर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हैप्पी सीडर मेनली क्या होता था कि वो किस चीज के लिए काम आता था, वो स्टबल जो है उसके लिए, स्टबल बर्निंग को अवॉइड करने के लिए काम आता था। उसमें क्या बोला गया, हैप्पी सीडर में क्या फंडा होता था कि आपको स्टबल क्लियर करने की जरूरत नहीं है, जब आपकी खारिफ क्रॉप की कटाई हो जाएगी, जब आपकी पेडी की कटाई हो जाएगी, ठीक है, जब वो हार्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, स्टबल बर्निंग होती है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में और हरियाणा में, जिसकी वजह से दिल्ली में हर साल बहुत सारा पॉल्यूशन जो है चला जाता है, काफी न्यूज में रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने गैस चैम्बर तक टर्म जो है दिल्ली के लिए यूज की है। तो अब हैप्पी सीडर क्या करता था बेसिकली, कि वो स्टबल को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, वो स्टबल के फील्ड पे होते ही, होते रहते ही जो ये हैप्पी सीडर मशीन है ये क्या करेगी, वीट जो सीड्स हैं उनको सॉइल के अंदर सो कर देगी विदाउट क्लियरिंग दैट पेडी फील्ड, ठीक है, जो भी हार्वेस्ट के बाद जो स्टबल बचा उसको क्लियर किए बिना। तो हैप्पी जो हैप्पी सीडर था उसका ये काम था, लेकिन लक्की सीड ड्रिल क्या कर रहा है, वो एक क्लियर फील्ड के ऊपर जो है सीड और हर्बिसाइड्स जो है उसको यूज करेगा। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वीड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता था कि सीड्स को सो करने के बाद, यानी कि जो वो यंग प्लांट्स को अपरूट करके दोबारा से फील्ड के अंदर सो किया है, उसके बाद पहले 3 हफ्ते फील्ड को कंटिन्यूअसली इरिगेटेड रखना पड़ता था और वाटर डेप्थ अराउंड 4 से 5 सेंटीमीटर की वाटर डेप्थ मेंटेन करनी पड़ती थी, प्लांट जो है कंप्लीटली समर्ज रहता था। इसी से सेलिनाइजेशन की प्रॉब्लम भी यहीं से बढ़नी शुरू हुई है, ठीक है, क्योंकि ओवर यूज ऑफ वाटर यहां पर हो जाता था।
अब वाटर यूज किस लिए करना पड़ता था, ऐसा तो था नहीं कि पानी था तो लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं डाल देते हैं खेतों में, ऐसा नहीं है। पानी इसमें इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि वीड ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि अगर जो फील्ड है वो कंप्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज्ड होगी तो वीड्स ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, वीड्स ग्रो क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि वीड्स जो हैं वो सबमर्ज्ड जब होती हैं, जब अगर वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड स्टेट में है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इसी वजह से वीड की ग्रोथ को चेक करने के लिए जो फील्ड है, जो पेडी फील्ड है, उसको फ्लडेड रखा जाता था। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर वीड को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो आपने पेडी प्लांट को भी जो है सबमर्ज कर दिया तो उन्हें भी नहीं मिल रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पेडी प्लांट्स होते हैं उनमें एक एरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं जो एयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं रूट्स के थ्रू, अगर वो सबमर्ज्ड भी हैं। ठीक है, तो ये हर्बिसाइड्स को, एक जो पानी है एज अ हर्बिसाइड एक्ट करता था पेडी फील्ड में, ऑलराइट, इसीलिए इसको यूज किया जाता था। लेकिन डीएसआर मेथड में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका केमिकल हर्बिसाइड्स जो है वो स्प्रे होगा और उसके बाद वीड्स जो है उसको आप इजीली काउंटर कर सकते हो। अब एडवांटेजेस क्या है ये डीएसआर मेथड के, एडवांटेजेस क्या है, कुछ एडवांटेजेस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, उन एडवांटेजेस को एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा वाटर सेविंग। ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन मेथड में हमने क्या देखा कि भैया उसको 2 से 3 हफ्ते तो मिनिमम कम से कम आपको फ्लडेड रखना पड़ेगा 3 से 4 सेंटीमीटर का पानी का लेवल मेंटेन करके, तो वाटर यूजेज हो रही है और आप देख रहे हो डिक्लाइनिंग वाटर लेवल्स हैं इंडिया में, इतनी सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। ठीक है, तो वाटर बचेगा। डीएसआर मेथड में सिर्फ आपको सोइंग करने से पहले एक बार इरिगेशन करनी है, ओके, उसके अलावा आपको कोई इसमें इरिगेशन की नेसेसिटी नहीं है। उसके बाद लेस नंबर ऑफ लेबरर्स आर रिक्वायर्ड। अब मैंने आपको वो इमेज दिखाया था, उसके लिए जो आपका ट्रांसप्लांटेशन मेथड है उसमें पहले आप सीड्स को सो करोगे, मैन्युअली उनको सो किया जाता था, फिर उसके बाद यंग प्लांट को अप्रूट करना, उसमें भी मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, फिर उस यंग प्लांट को पूरी फील्ड में ट्रांसप्लांट करना, उसमें भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो लेबर की रिक्वायरमेंट अब हैप्पी, जो ये आपका लकी ड्रिल मशीन के थ्रू तो सारा मैकेनिकली काम हो जाता है तो इसमें आपको लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और कोविड के टाइम पे इसीलिए फार्मर्स ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो अब एक तो जो दो चीज़ें यहाँ पर हो गई, सबसे पहले लेबर रिक्वायरमेंट आपकी कम हो गई, ऐसे क्राइसिस के टाइम पर, जैसे कोरोना जैसे क्राइसिस के टाइम पर जब लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर अब आपका डीएसआर जैसा मेथड ना हो तो फार्मर्स क्या करेंगे, विदाउट लेबर दे के नॉट डू ऑल द वर्क, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस जो टाइम के ऊपर और वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर लेबर नहीं है तो सारा काम खुद कर लेंगे, फिर वो लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, सीजन एंड हो जाएगा, समझ रहे हो। दूसरा, लेबर कॉस्ट बचेगी, पहले ज्यादा लेबर चाहिए होती थी, अब कम लेबर लगेगी, तो इससे क्या होगा, फार्मर्स प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। एक एडवांटेज इसका आप इससे ये लिंक कर सकते हो कि फार्मर का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। एक एनवायरमेंटल बेनिफिट, अब एग्जाम में अगर आप जा रहे हो, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम लिखने जा रहे हो या स्टेट सर्विसेज का एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो इन जो आपका एग्जाम चेक करने वाले लोग होते हैं उनको बड़ा मजा आता है अगर आप किसी भी चीज को एनवायरमेंट से लिंक करके रख दो। ठीक है, और आजकल ऐसा हो गया है कि हर चीज एनवायरमेंट से लिंक हो जाती है, तो आप इसको भी एनवायरमेंट से लिंक कर दोगे। आप कह दोगे कि भैया जो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है इसकी वजह से मिथेन एमिशन कम हो जाता है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मिथेन एमिशन। क्यों? क्योंकि फ्लडिंग पीरियड आप कम कर रहे हो, सॉइल डिस्टर्बेंस कम होगा जिसकी वजह से जो है मिथेन एमिशन जो है कम हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आप ये भी पॉइंट लिख दोगे, आपके नंबर देखना, एक नंबर आपका इस पॉइंट से बढ़ जाएगा एनवायरमेंट से लिंक करके। अब कुछ ड्रॉबैक भी हैं, देखो हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सबसे पहले हर्बिसाइड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब क्या अवेलेबिलिटी है हर्बिसाइड्स की, और जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना के समय में लेबर चली गई, चलो लेबर तो चली गई, पर क्या हर्बिसाइड्स अवेलेबल हैं ऐसे टाइम पर इतने लार्ज नंबर में, इतनी लार्ज क्वांटिटी में? दूसरा, हर्बिसाइड्स का यूज बढ़ेगा, हर्बिसाइड्स ओवर यूज होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पानी का, इरिगेशन फैसिलिटीज का ओवर यूज होने लगा, उससे सेलिनिटी बढ़ी, उससे क्या अब क्या होगा, अब ओवर यूज ऑफ हर्बिसाइड्स शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप देखो जो डीएसआर मेथड है आपका, इसमें सीड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इस मेथड में
आपको 8 से 10 किलो सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है पर एकड़, और जो ट्रांसप्लांटिंग मेथड था उसमें 4 से 5 किलो में हो जाता था। तो यहाँ पर खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा फार्मर्स के लिए, ठीक है, डिमांड भी बढ़ जाएगी, डिमांड भी पूरी करना जरूरी है। क्या मार्केट में वो पोटेंशियल है, क्या जो सप्लाई है दैट कैन फुलफिल डिमांड? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिमांड ओवर हो जाने से सप्लाई, देखो अब इकोनॉमिक्स का एक फंडा क्या है, ठीक है, अगर सप्लाई जो है डिमांड से कम है तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए तो वैसे फार्मर फिर मारा जाएगा। जो हमने ये पीछे देखा कि लेबर कॉस्ट की सेविंग हो रही है, पानी का खर्चा कम हो रहा है, वो अब यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा। पहले तो उसे हर्बिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, पानी तो सरकारें बहुत सारा तो सब्सिडी पे दे रही थी, हर्बिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे, सीड्स ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, और डिमांड बढ़ गई सप्लाई के मुकाबले तो प्राइस भी हाई हो जाएगा। तीसरा, डीएसआर के लिए आपको लैंड की लेवलिंग करानी पड़ती है, जमीन एक सरी होनी चाहिए, लेजर लैंड लेवलिंग होती है। अब ये जो लेजर लैंड लेवलिंग का खर्चा है ये 1000 रुपए पर एकड़ का खर्चा आता है, और ये कंपलसरी है डीएसआर मेथड में, ठीक है, इसके बिना डीएसआर मेथड सक्सेसफुल नहीं होगा, समझ रहे हो? तो लेवलिंग तो आपको करानी करानी पड़ेगी। अब ये ट्रांसप्लांटिंग में ये वाला इशू नहीं होता था तो 1000 रुपए एकड़ आपके वहां बच जाया करते थे, समझ रहे हो ना? तो ये वाली सारी चीजें जो है इसके ड्रॉबैक्स हैं। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है प्रीलिम्स में, देखो मेंस में तो क्वेश्चन आपका अगर इन्वायरमेंट से आ जाता है, आपका स्टबल बर्निंग से आ जाता है, फॉर एग्जांपल दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आप एक पॉइंट लिख दोगे कि स्टबल बर्निंग इज अ प्रॉब्लम, और फिर सोल्यूशन में आप लिख दोगे कि डीएसआर मेथड, यूज ऑफ डीएसआर सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इससे ये बेनिफिट होगा और जो है स्टबल बर्निंग नहीं होगी वो अवॉइड हो जाएगी। स्टबल बर्निंग क्यों नहीं होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डीएसआर मेथड भी अगर आप यूज करोगे तो उससे भी आप स्टबल बर्निंग को अवॉइड कर सकते हो। किस तरह से? क्योंकि डीएसआर मेथड क्या करता है, डीएसआर मेथड आपका जो हार्वेस्ट का टाइम होता है ना राइस का, उसको 21 डेज प्रीपोन कर देता है। मतलब ट्रांसप्लांटेशन मेथड में 21 दिन बाद हार्वेस्टिंग कर पाओगे और डीएसआर मेथड में 21 दिन पहले, तो फार्मर को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो देखो वो स्टबल बर्निंग किस लिए करता है फार्मर, क्योंकि खारिफ के बाद राबी जब सीजन आता है उसके बाद बहुत कम टाइम बचता है फील्ड को दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए, तो अपना टाइम सेव करने के लिए वो स्टबल बर्निंग करता है। पर अब फार्मर के पास एक्स्ट्रा 21 दिन होंगे तो वो और सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर यूज कर सकता है, और मेथड्स जो है स्टबल को यूटिलाइज करने के यूज कर सकता है। ऑलराइट, अब सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस सीड, ओके, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेना कि ट्रू पूछा है फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इज मोर वाटर कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन मेथड। आंसर मत देखो, ये आंसर गलत होगा, ठीक है। विद द यूज ऑफ डीएसआर अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग कैन बी रिजॉल्व्ड। ऑलराइट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। अब पहला स्टेटमेंट, हमने देखा कि ट्रांसप्लांटेशन मेथड में पानी ज्यादा लग रहा है, 2 से 3 हफ्ते 3 से 4 सेंटीमीटर मेंटेन करना है, लेकिन डीएसआर में सिर्फ एक बार, वो भी प्री सोइंग से पहले। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वन ओनली गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डीएसआर जो है मेजर प्रॉब्लम ऑफ राइस स्टबल बर्निंग को रिजॉल्व कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया। तो 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्री में आएगा, मेंस में आप फॉडर पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे, फार्मर इनकम, देखो कि सरकार क्या कहती है, डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022, उसमें आप कह सकते हो कि दिस कैन हेल्प, कि सरकार को ये प्रमोट करना चाहिए, इससे जो है फार्मर्स का खर्चा कम हो रहा है। ऑलराइट, चलिए अब न्यूज़ देख लेते हैं। अब न्यूज़ में क्या लिखा था कि भैया, न्यूज़ आज की न्यूज़ में लिखा था कि पंजाब फार्मर्स फाइंड अ बेटर वे टू ग्रो पैडी, मैनी चूज द डायरेक्ट सीडिंग मेथड फॉर क्रॉप ड्यूरिंग COVID-19 विद अ बोनस। ऑलराइट, तो डायरेक्ट सीडिंग मेथड को जैसे कि मैंने आपको बताया, कोरोना के समय में, COVID-19 के समय में क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर अपने घर चली गई तो लेबर की कमी थी, और अभी हमने पीछे समझा कि ट्रांसप्लांटेशन मेथड इज मोर लेबर सेंसिटिव एज कंपेयर टू योर DSR, ठीक है। तो अब यही पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं इस न्यूज में जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। DSR टेक्निक इज द इन द खारीफ सीजन रादर देन ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग, ये यूज कर रहे हैं, ओके, मेजर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, दैट इज हैंडलिंग क्रॉप रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्ट। और ऐसा क्यों, क्रॉप रेजिड्यू हार्वेस्ट क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले
मैच्योर हो जाएगी ट्रांसप्लांटेशन मेथड के मुकाबले, और फार्मर्स को ज्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी विंटर क्रॉप के लिए, फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो उनको पैडी जो स्टेबल बनिंग है वो करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखो, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स से दैट लार्ज स्केल यूज ऑफ डीएसआर टू प्लांट पैडी कुड सॉल्व द स्टेगरिंग प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग, हम कर चुके हैं जो एयर पोल्यूशन का की कॉज है। उसके अलावा एक फार्मर ने ही अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 30,000 रुपीज स्पेंड किए थे लेबर के ऊपर, और इस साल उनका खर्चा सिर्फ 10,000 का आया, तो 20,000 की डायरेक्ट सेविंग है, ठीक है, 8 acres की फील्ड पे। तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो, वाटर जो चाहिए वो कम हो गया है, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो गई है, और पोस्ट हार्वेस्ट स्टबल भी जो है वो भी कम हो गया है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है डीएसआर के। ऑलराइट, तो ये थी न्यूज, लेकिन इस न्यूज में इतना कुछ नहीं था, इसके थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको मजा आया हो, और हिंदू न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना जरूर शुरू कर दीजिए, खुद से उसको एनालाइज करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो फ्रंट पेज पे है या जो एडिटोरियल्स में है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द पेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हिंदू में, जहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनको मत छोड़िएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।